स्वागत है आपको आपकी अपनी YouTube चैनल माय होममेड में। आज हम बनाएंगे सेवई की नमकीन रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल में सेवई ले लिया है, एक छोटी बाउल गाजर ले लेंगे, एक छोटी बाउल प्याज ले लेंगे। प्याज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। पीनट्स ले लेंगे, कुछ हरी मिर्च ले लेंगे और थोड़ा धनिया पाउडर ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 करी लीव्स ले लिया है और थोड़ा पानी ले लेंगे। एक पैन को गरम कर लेंगे, इसमें थोड़ा घी डाल देंगे, इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसमें सेवई को अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पे सेवई को डीप रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का रोस्ट करना है। देखिए, मैंने सेवई को रोस्ट कर लिया है। इसे हमें गोल्डन कलर तक रोस्ट नहीं करना है, जस्ट हल्का रोस्ट करना है। अब हम उसी पैन में थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे तेल को। अब हम इसमें वेजिटेबल्स को डाल देंगे एक एक करके। मैंने यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स को डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आजकल हर घर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो लोग मीठा खाना अवॉइड कर रही है और कुछ लोगों को तो मीठा वैसे भी पसंद नहीं है। तो मैं आज आपको नमकीन सेवई बनाने की ये विधि दिखा रही हूँ। थोड़ा नमक डाल देंगे और थोड़ा धनिया पाउडर डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए, ये गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा टोमेटो सॉस डाल देंगे। मिक्स कर ले इसे अच्छे से। अब हम इसमें जो रोस्टेड बारमिसली थे, सवाई थे, उसे हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है इसे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे करीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। आप इसे ढक्कन से ढक के लो फ्लेम में पकाएं। आपको इसमें उतना ही पानी डालना है कि सेवई जो है ये पानी में डूब ना जाए और इसका पानी जो है पैन के सरफेस में ही रहे। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। ये देखिए, आपको इस तरह की क्वांटिटी में पानी को डालना है। अब आप इसे ढक्कन से ढक के पका लें। 5 से 6 मिनट इसे पकाना है। तो देखिए, 5 से 6 मिनट के बाद हमारा सेवई जो है ये कितना फूल गया है और ये दुगनी हो गई है। जितना क्वांटिटी हमने इसे पकाने के लिए ले रखी थी उससे ज़्यादा, और यानी कि दुगना हो गई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बना है। अब हम इसको निकाल के सर्व कर लेंगे। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर लें। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।